भीलवाड़ा में, वहाँ गए तो वहाँ पर जेस्मिन को सोलंकी के नाम से एक मैडम थे, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में जाओ। फिर हम यहाँ आए, अगले दिन ही हम यहाँ गए थे। तो फिर यहाँ पर मैडम से बात हुई थी, मैडम ने कहा कि अगर आप ओपन सर्जरी करवाते हैं तो उसमें काफ़ी लंबा घाव सा हो जाता है और काफ़ी सारे टाके दिखेंगे, वो पूरे फ्यूचर में मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लगेंगे। और उसमें पेन अगर फिर 15-20 दिन तक, 1 महीने तक आपको बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे लिए सुटेबल नहीं था। तो फिर मैडम ने रिकमेंड किया कि आप लेप्रोस्कोपी, जो कि दूरबीन से ऑपरेशन होता है, तो फिर हमने वो कराना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा था। तो ऑपरेशन, हमें विश्वास नहीं था कि ये दोस्त दूसरे या तीसरे दिन में वापस एक तरह से मतलब टॉयलेट जाना या मतलब छोटे मोटे जो एक्टिविटीज़ होती है ये खुद ही अपने से करने लग गई। मुझे लग रहा था कि शायद 10-15-20 दिन तक इनको हमें केयर करनी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। आज ऑलमोस्ट ये मतलब फिट है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, इसके अलावा पूरी तरह से कंप्लीट है। अब कल हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, ज़्यादा दिन हुए नहीं, में 3 से 4 दिन हुए हैं। बाकी जैसा कि मैंने सुना था कि भाई तकरीबन 3.5 किलो की गांठ है, जो कि साइज़ बताया था हमें 25x30 का, तो ये साइज़ सुनते ही हम इतना डर गए थे, हम मतलब ये सोचने लग गए थे कि अब होगा क्या, क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट पेट इतना बड़ा बड़ा है, उस पूरे पेट को चीरेंगे तो एक तरह से तो इनकी लाइफ ही पूरी ख़राब हो जाएगी। तो मैडम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा, शायद ज़िंदगी भर इनका एहसान नहीं भूलूंगा। साथ ही यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत हमारी हेल्प की, किसी प्रकार की कोई भी हमें कमी मतलब ऐसा लगा नहीं कि यार हमें यहाँ के थोड़ा डिसअपॉइंटेड, ऐसा कुछ भी लगा नहीं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत अच्छे, सबसे मैम सीमा मैम, आप मैम, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा। थैंक यू सो मच। अब आपसे पूछती हूँ।